का ये जो कार्यक्रम है स्वामी विवेकानंद की शिकागो के भाषण के 125 वर्ष पूरे हुए उस दिन ने आज का ये कार्यक्रम रखा है। लेकिन एक बात का मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि आज बहुत ही कम ऑडियंस यहाँ पर आई हुई है। यही भारत के देश की कमजोरी है कि हम लोगों में एकता नहीं है। आप लोग मानते इस बात को? मुझे ऐसा लगा था कि आज के इस कार्यक्रम में आधा जोधपुर यहाँ पर होगा, मुझे ऐसा था। लेकिन आधा तो क्या, आधे से भी बहुत ही कम लोग यहाँ पर है। लेकिन जितने भी लोग आए तो सही, जितने भी लोगों से हमारी जो बात पहुंचाने की हमने हमारा काम कर दिया। देखिए हैदराबाद से हमारे बीच एक बार साहेब के लिए एक बार जोरदार बजा दीजिए। एक तो कार्यक्रम के साथ में वो मिलना हुआ है आज शांति से पूर्वक, वो भी मुझे सुने कि आज मैंने आपका जो भाषण बहुत ही शांति पूर्वक सुना और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन इतनी कमजोर ताली राधा साहब के लिए मैं नहीं चाहूंगी, पर जोरदार ताली हो जाए सभी लोगों से। क्या बात, ये प्यार है और यही प्यार यही आशीर्वाद शिखर तक ले जाएंगे इनको। बस आज यहाँ पर मैं आई हूँ एक दो रचना आप लोगों को सुनाने के लिए आई हूँ। मेरा भी ये प्रयास रहता है कि आज के युवाओं में थोड़ा बहुत भी गाकर देशभक्ति गाकर हम जोश जगा पाए। बस मेरी आप लोगों से ये निवेदन रहेगी जितने भी लोग यहाँ पर विराजमान हैं, जो जो भी अपनी भारत भूमि को प्यार करता है तो सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाएं और मेरे साथ जयघोष लगाने बड़े जोर के साथ उत्तम बहुत ही चलाई बहुत ही बहुत ही धन्यवाद। ऐसा ही जोश ऐसा ही ऊर्जा आप सभी लोगों को रखना है तो लीजिए आप लोगों के बीच में वही गाना जिसको काफी लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। हिंदू धर्म का राष्ट्रीय प्रतीक हमारा भगवा रंग है, वही गाना आप लोगों के बीच में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। यही हम हिंदू धर्म की भगवान की हमारी जीते हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करते बड़े भाव के साथ ये भगवान रंग 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 रंग
रिया बनू, रिया बनू तो पतंगा नसीब हो मुझको, रिया बनू तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाने जाऊं तो गंगा नसीब हो मुझको, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं लेकिन मरते वक्त भी भगवान नसीब हो मुझको। क्या बात है, लागी बीमारी मुझे नाले बजा दीजिए। नस नस में खून बहे, नस नस में जो खून बहे वो खून तुम्हारे नाम का, और हिंदू धर्म का बच्चा बच्चा प्रभु तुम्हारे काम का। भक्ति भाव, भक्ति भाव दिखाए थे हनुमान ने जला दी लंका, कुछ लोगों ने कहा जय श्री राम नहीं बोलेंगे। भक्ति भाव दिखाए थे हनुमान ने जला दी लंका, राम ने भी आर्य वीरता का बजा दिया डंका, उठाकर तीर सौंप दिया सागर को, संत पापियों के खातिर चक्र उठाना पड़ा नकुल नागर को, मीरा भी हिचकिचाई नहीं जैन का प्याला पीने में, कष्ट है राम पर राम भक्त का खून अपना खोलना होगा, और हिंदुस्तान की धरती पर रहना है तो जय जय श्री राम बोलना होगा। हमारा है। क्या बात, एक बार
बंगाल माया रानी हमारे दादा साहब यहाँ पर विराजमान है। इन्होंने अफजल की बात की थी कि बहुत ही सारे अफजल पैदा कर दिए, लेकिन 15 साल पहले भी आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बॉम्बे में अटैक हुआ था। चार पंक्ति में कहना चाहूंगी कि यू शेरों की मांग में आ